हाँ जी अ ट्रेवलर टू दाउन रीच अ क्रॉस रोड अपॉन आस्किंग रेजिडेंस ए बी एंड सी फॉर डायरेक्शन टू अटेन डेस्टिनेशन ही गेट्स द फॉलोइंग दिस्पॉन्स क्या हुआ कि कोई ट्रैवलर पहुंचा है ठीक है वो क्रॉस पॉइंट पे पहुंच गया ठीक है? है पहुंचने के बाद में यहाँ पे उसको तीन बंदे दिखाई दिए ए बी और सी ठीक है उसने उनसे कोई आ, किसी जगह जाने के लिए अपनी डेस्टिनेशन बताई उसको कि मेरे को इधर जाना है तो मेरे को यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में जाना होगा बेसिकली वो इस डायरेक्शन से मान लो आ रहा है यहाँ से आया है और यहाँ पे ये यह रुक गया है आके बोल रहा है कि मेरे को बताओ मैं इधर जाऊँ इधर जाऊँ या सीधा जाऊँ मेरे को इस पोजिशन पे पहुँचना है ठीक है तो गाइड करो तो उनमें से क्या हुआ अब सभी लोग एक जैसे तो मिलते हैं नहीं है इनमें से कुछ झूठे होते हैं कुछ सच्चे होते हैं तो उन्होंने क्या क्या रिस्पॉन्स दिए ए ने बोल दिया कि टर्न लेफ्ट बी ने बोल दिया डू नॉट टर्न लेफ्ट ठीक है और सी ने बोल दिया गो स्ट्रेट ठीक है तीनों ने अलग अलग बताया ए कह रहा है कि लेफ्ट ले ले, बी कह, कह रहा है लेफ्ट मत लियो सी कह रहे हैं तो सीधा ही चला जा ठीक है ये तीन रिस्पॉन्स उसके पास आए। अब आ, वो कह रहा है कि इफ ओनली वन अमंग ए बी एंड सी इज ट्रूथफुल ट्रैवलर शुड बी गो लेफ्ट शुड गो राइट शुड गो स्ट्रेट, विल नॉट एबल टू डिसाइड बिटवीन गोइंग लेफ्ट टू और राइट ठीक है तो ट्रैवलर को क्या करना चाहिए उसको ये पता लग गया कि ए बी और सी में से सिर्फ एक जना सही बोल रहा है बाकी दो जने झूठ बोल रहे हैं तो उसको किधर जाना चाहिए लेफ्ट जाए राइट जाए या सीधा जाए हाँ ऐसा नहीं है कि वो किसी और से पूछ लेगा ठीक है क्योंकि वहां पे तीन ही जने हैं ओके तो इस केस के लिए क्या होगा कि देखो हो सकता है ए सही बोल रहा हो केस डिस्कस करते हैं ठीक है इसने क्या बोला कि लेफ्ट चले जाओ मान लो ए सही क्या कंडीशन देखते हैं कि क्या ए सही बोल सकता है या नहीं बोल सकता ए ने मान मान लो लो बोला है कि उसको वास्तव में लेफ्ट में जाना है उसकी डेस्टिनेशन मान लो ये है ए ने बोल दिया कि लेफ्ट चले जाओ तो उस केस में बी क्या हो गया जूठा हो गया ठीक है फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ बी की क्योंकि इसने क्या बोला था लेफ्ट नहीं जाना है और सी की स्टेटमेंट भी क्या होगी फॉल्स होगी क्योंकि सी ने क्या बोला था सीधे जाना है तो ये दो फॉल्स हो गए तीसरा सही हो गया। इसका मतलब पॉसिबल है कि लेफ्ट में अपनी डेस्टिनेशन है तो ये केस पॉसिबल हो सकता है सेकंड केस क्या बी सही बोल सकता है वो देखते हैं बी तो सही बोलने का मीनिंग क्या है कि ये कह रहा है कि लेफ्ट में मत जाइयो इसका मीनिंग क्या है कि ए ने गलत बोला है ए ने गलत बोला है कि लेफ्ट चला जा बी सही हो सकता है लेफ्ट में मत जाइयो अब उसने बोला है कि दो जने गलत होने चाहिए दो जने गलत होने का मीनिंग क्या है कि जो स्ट्रेट वाला होगा सी ने क्या बोला है स्ट्रेट जाओ तो दो को गलत करना है ए गलत हो गया सी गलत हो गया इसका मतलब उसको किधर जाना चाहिए राइट में जाना चाहिए जब ये कंडीशन आएगी बात समझ में आई कि जब पहले वाली कंडीशन आएगी कि ए सही बोल रहा है तो उसको वास्तव में लेफ्ट में जाना चाहिए दूसरी जब कंडीशन आएगी जब बी सही बोल रहा है तो उसको राइट में जाना चाहिए क्यों जाना चाहिए क्योंकि आपको हर सिचुएशन में दो जनों को गलत करना है एक जने को सही करना है उन्होंने उसने स्ट्रिक्टली बोला कि सिर्फ एक जना ही इसमें से सही बोलेगा बाकी दोनों गलत बोलेंगे तो यदि बी सही है तो ए सी को गलत होना पड़ेगा ए और सी को गलत होने का मीनिंग क्या है सी कह रहे हैं सीधा जाओ सीधा नहीं जाना है ए कह रहे हैं लेफ्ट जाओ लेफ्ट नहीं जाना है ठीक है बाकी ऑप्शन क्या बचा ओनली राइट का थर्ड स्टेटमेंट क्या कभी सी सही हो सकता है यदि मान लो सी सही हो गया ठीक है सी सही होने का मीनिंग क्या है कि सीधा जाना है क्लियर है उस केस में एक स्टेटमेंट है लेफ्ट तो? चले जाओ इसकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी ठीक है ने क्या कहा कि लेफ्ट मत जाइए ये स्टेटमेंट तो सही होगी ना फिर मान लो मैंने कह दिया कि सी की स्टेटमेंट सही है तो यहाँ पे ए की गलत हो जाएगी स्टेटमेंट ये ठीक है ठीक है बट बी ने क्या बोला आपको यहाँ पे स्ट्रेट जाना है ठीक है आप यहां पे खड़े हो आपको किसी ने बोल दिया कि लेफ्ट मत जाना ठीक है आपकी डेस्टिनेशन तो स्ट्रेट में पड़ी है उसने ये नहीं बताया कि स्ट्रेट जाओ लेकिन आपको इतना बता दिया कि लेफ्ट मत जाना तो इसका मतलब ये बताओ कि वो सही है या गलत है डेफिनेटली वो सही होगा ना ऐसा तो नहीं है उसने कुछ गलत बोला आपको तो उसने बोला है कि लेफ्ट मत जाना इसका मतलब उसने सही स्टेटमेंट बोली है तो उसके इसमें बी भी, भी सही हो जाएगा लेकिन उसने क्या बोला कि इनमें से सिर्फ एक जना सही है तो ये पॉसिबल केस नहीं है इसका मतलब सी हमेशा झूठ बोल रहा है स्ट्रेट में उसकी डेस्टिनेशन नहीं है को या तो लेफ्ट जाना चाहिए या राइट right जाना चाहिए क्लियर है अब ऑप्शन पे आते हैं पहला ऑप्शन है शुड गो लेफ्ट जरूरी नहीं है ये यदि ए जिस केस में वो फॉल्स होगा तो उसको राइट right में जाना चाहिए ठीक है सेकंड शुड गो स्ट्रेट स्ट्रेट तो कभी नहीं जाना चाहिए शुड गो राइट राइट में भी पॉसिबल नहीं है ए यदि सही है तो ए को लेफ्ट में जाना चाहिए तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी विल नॉट बी एबल टू डिसाइड बिटवीन गोइंग लेफ्ट और राइट आपको लेफ्ट और राइट में डिसाइड नहीं कर पाएगा वो कि लेफ्ट जाऊं या राइट right जाऊं उसको ये पता लग गया कि स्टेट में तो नहीं जाना है लेफ्ट और राइट में वो डिसाइड नहीं कर पाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी ओके okay?